2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्या बात है, 12 कपड़े। अभी एक हफ्ता स्त्री को छुट्टी। ये काय पडलं बाबा? इतने सारे पैसे अलमारी में कैसे? अरे माधवी, माधवी, ये माधवी, माधवी, ये माधवी, काय हो, काय झालं? अरे अपने अलमारी में से इतने सारे रुपए निकले। अरे हाँ, क्या अपने अलमारी में से इतने सारे रुपए निकले माधवी? हाँ तो रुपए ही निकले ना, कांदा थोड़ी निकला है जो इतने चौक रहे हो। अरे विनोद कसली करते, इतने सारे रुपए मैंने अलमारी में नहीं रखे तो इतना सारा कैश आया कहाँ से? मैंने रखे। काय, ये पैसे तुमने रखे माधवी? हाँ। इतने सारे पैसे तुमने कब जमा किए और मुझे बताया भी नहीं? अभी के अभी ये पैसे बैंक में जमा कर देते। अहो सुनिए, ये सिर्फ मेरे अकेले के पैसे नहीं है माधवी। अगो वेड़े, मुझे पता है जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन ये पैसे बैंक में रखना जरूरी है। अरे इंटरेस्ट मिलता है, कर लगा, चलो चल चल चल। ओ इंटरेस्ट कुमार, इसमें से एक भी रुपया आपका नहीं है, कर लो। ठीक है माधवी, तुम्हारे पैसे रखो तुम्हारे पास। माधवी, हमारे बीच पैसे आ गए? ओ ये ना आपका पैसा है ना मेरा, मेरा मतलब है हम गोकुलधाम महिला मंडल के पैसे हैं ये। कहते महिला मंडल के पास इतना सारा कैश? माँ, इतना सारा कैश तो सोसाइटी के फंड में भी नहीं होगा। तो हम औरतों को समझते क्या हो आप लोग? अरे 3 साल में 1,60,000 रुपए जमा किए हम लोगों ने। कितनी? 1,60,000 आहत कुठे? 1,60,000? माँ, और इसी खुशी में हम सारी औरतें लंच के लिए होटल में जाने वाली है। 1,60,000 का लंच करोगे तुम लोग? और ऐसा क्या क्या खाओगे और कितना खाओगे खा खा कर माधवी? वो इतने सारे रुपए को थोड़ी लंच करेंगे, क्या कुछ भी बोलते रहते हो। अहो आज केटी पार्टी में पैसों का हिसाब करने वाले, इसलिए रुपए निकाल के रखे हैं। ओहो, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिडे की एकमेव धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिडे, गोकुलधाम महिला मंडल की एकमेव खजांची उर्फ ट्रेजरर उर्फ बैंकर ऑफ किटी पार्टी। शाबाश माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। 1,60,000? ये माधवी, पैसे संभालना जिम्मेदारी का काम होता है। हाँ, अगर हिसाब में जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो पूरी सोसाइटी वाले हमारे नाम से बुमबुम करेंगे, और सबसे पहले तो जेठालाल ताने मारेगा। सॉरी 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 सॉरी। अरे दया, चाय नाश्ता ला जल्दी भाई। हाँ आई आई आई, ये लीजिए। अरे बहू जी, बाबूजी। अरे बाबूजी, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमारे यंग गर्ल ग्रुप का वो पुरुषोत्तम है ना, उसका जन्मदिन है, तो उसने घर पे सत्यनारायण की कथा रखी है, तो आज हम सब लोग पूरा दिन वहीं रुकने वाले हैं, इसलिए बहू आज मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। जी बापूजी। चलो चलता हूँ। बापूजी जरा संभल कर जाना। हाँ। अरे बापूजी एक दो मिनट रुकिए ना, मैं चाय नाश्ता करके निकल ही रहा हूँ, रास्ते में आपको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं, तू आराम से चाय नाश्ता कर, मैं चला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, बापूजी ने आराम से नाश्ता करने को कहा है तो एकदम आराम से नाश्ता मत करना, फटाफट चाय नाश्ता करके आप भी निकलिए। निकलिए? निकलिए का क्या मतलब है? तू मुझे घर से भगा रही है? अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको कैसे भगा सकती हूँ, आप तो घर के मालिक है, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या है टप्पू के पापा, आप जब तक घर में होते हैं ना तब तक मेरा सारा टाइम
आपका ध्यान रखने में ही चला जाता है, फिर घर के सारे काम लेट हो जाते हैं। आप जाते हैं उसके बाद घर के कितने सारे काम होते हैं पता है? हमें वो किचन की साफ सफाई करनी होती है, खाने पीने की तैयारी करनी होती है, कपड़े धोने सुखाने होते हैं, कपड़े को इस्त्री करनी होती है, घर की साफ सफाई करनी होती है। पता है दया, मुझे सब पता है। अरे भाई, हम पतियों से ज्यादा तुम पत्नियां काम करती हैं। हम पतियों का क्या है, घर और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे छोड़ कर निकल पड़ते हैं काम पे। नहीं नहीं टप्पू के पापा, अब पति लोग भी कुछ कम मेहनत नहीं करते। हम पत्नियां तो घर का सारा काम निपटा के दोपहर को सो भी जाती है, लेकिन आप लोगों को तो पूरा दिन आराम करने को मौका ही नहीं मिलता। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सारा दिन बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, ताकि हम बीवी बच्चों की छोटी बड़ी सभी इच्छाएं आप पूरी कर सके। एक पति, पिता और बेटा बनकर घर की खुशी के लिए आप लोग जो बलिदान देते हैं ना, उतना बलिदान हम पत्नियां नहीं दे पाती। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, पति महान होते हैं। नहीं नहीं दे, ऐसी बात नहीं है, महान पत्नियां होती है। अरे बचपन से लेके 30-24 साल तक जिस घर में अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ वो रहती है, शादी होते ही उन सबको छोड़कर एक अनजान घर में, कभी कभी अनजान शहर में नए लोगों के बीच पहुंच जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर नए रिश्ते बना लेती है। अपने पति और सास ससुर का दिल जीतकर अपने संसार की छोटी सी दुनिया बसा लेती है। ये अद्भुत काम सिर्फ एक पत्नी कर सकती है, इसलिए पत्नियां महान होती है। नहीं नहीं, पति महान होते हैं। महान पत्नियां होती है। नहीं टप्पू के पापा, महान तो पति होते हैं। पत्नी, पति, पत्नी, क्या पति पत्नी पत्नी पति चल रहा है? कुछ नहीं बापू जी, वो दया कह रही थी सब पतियां महान होते हैं। और टप्पू के पापा कह रहे सब पत्नियां महान होती है, उसमें बहस हो रही थी बापू जी। अरे पति और पत्नी दोनों महान होते हैं। अरे पति और पत्नी तो रथ के दो पहियों जैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ कर साथ में चले तो संसार का रथ बिना कोई तकलीफ के चलता रहता है। बराबर है बापू जी। अच्छा बहू, मैं ये कहने के लिए आया था कि शाम को भी शायद आते आते मुझे देर हो जाएगी, तो शाम का भी खाना मेरा मत बनाना। जी बापू जी। ठीक, चलो चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टप्पू के पापा चलिए, आप जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलिए। अरे हाँ दया, ये अपने बाजू में वो सोसाइटी है ना सीता कुटीर, वहाँ से जयेश भाई करके आएंगे, तो उनको ये कोटेशन का कवर दे देना। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। सॉरी, आज दोपहर को तो मैं घर में हूँ ही नहीं ना। दोपहर को घर में हूँ ही नहीं मतलब, कहाँ जा रही है? अरे टप्पू के पापा, आज हम गोकुल धाम सोसाइटी की सभी महिलाएं बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। मैंने आपको रात को बताया था ना, आप भूल गए? अरे हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, वो पिछले 6 महीने से कट्टी पार्टी मनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मनाने का नक्की किया है। कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। हाँ। तो फिर ये कवर? अरे वो मैं बागा के हाथों भिजवा दूंगा जयेश भाई को। हाँ, चिंता मत कर। थैंक यू। वैसे कौन कौन आ रहा है किट्टी पार्टी में? सब सब महिला है, कोमल भाभी, भिड़े बहन, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जा जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू पुरी जी। पुरी जी? ओ जी सर, मतलब अमरीश पुरी जी। थैंक यू अमरीश पुरी जी। हाँ, ये डायलॉग तो अमरीश पुरी जी का ही है ना। तो मैं अमरीश पुरी जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप तो मेरे शाहरुख खान हो। तो फिर अमरीश पुरी जी क्यों बोला? हाँ हाँ सॉरी। क्या जेठा भाई? बस बस मजा में भाई। पपीता जी, गुड मॉर्निंग। पपीता जी, गुड मॉर्निंग। जेठा जी, जलालाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपको भी गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला था, लेकिन आप बीच में बोल पड़े। और बबीता जी, दोपहर को मिल रहे ना लंच के लिए होटल में? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। बबीता, तुम कौन से लंच पर मिलने की बात कर रही हो? ले, आपने अय्यर भाई को नहीं बताया? अय्यर, तुम्हें मैंने बताया था ना कि आज सारी लेडीज के होटल में किटी पार्टी है। अच्छा, हाँ हाँ, वो। हाँ वो क्यों, आप क्या समझे? नहीं कुछ नहीं।
मॉर्निंग। बोल बोल दे। टप्पू के पापा, आप ये जयेश भाई वाला कवर तो घर पे भूल गए। अरे हाँ, एक मिनट में आया। बबीता जी, टाइम प्लीज। आया एक मिनट। ला फेंक फेंक। नहीं नहीं बाबा, मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, आप रुको। अरे दुकान जाने का लेट हो रहा, फेंकना भाई। कैच कर लोगे ना? तू बार बार जीपीएल के कैप्टन को चैलेंज क्यों दे रही है? भूल गई एक बार इसी तरह तूने रुमाल फेंका था और मैंने एक हाथ से कैच कर लिया था। बबीता हमको लेट हो रहा है, चले। Doesn't look nice. एक मिनट रुको ना। हाँ, याद आया। तो चल फेंक। Yes! Stop fast, चप्पू के पापा। अब ये कवर पकड़िए। वो क्या? जयेश भाई वाला कवर। तो ये क्या? ट्रायल बॉल। मैं देखना चाहती थी आप अभी भी चपल हो या वक्त के दिमाग ने आपके बाजुओं को खोखला कर दिया है। लीजिए पकड़िए। यस यस यस। अय्या सॉरी सॉरी सॉरी। मैं इसलिए आपको कह रही थी, मैं नीचे आके देखकर जाती हूँ, लेकिन आप। अरे बबीता जी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो दोपहर को हमारी कट्टी पार्टी है। मैं एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। और हाँ दया भाभी, मैंने हम सब के लिए होटल में टेबल भी बुक कर लिया है। थैंक यू। बाय। जय जिनेंद्र टप्पू के पापा। बाय। जय जिनेंद्र। चलो बबीता। हाँ बबीता जी, एक मिनट। अब क्या है जड़ल? एक मिनट बबीता जी, आपने वो होटल में टेबल बुक करवा के बहुत बढ़िया काम किया। क्या आजकल सबको होटल में खाना खाने का ऐसा चस्का लग गया कि जब देखो तब सभी होटल भरी पड़ी रहती है। खाली टेबल के लिए एक घंटा वाट देखनी पड़ती है, तब तक खाली पेट की वाट लग जाती है। बबीता चले, कोई हमारा वाट कर रहा है, मतलब वेट कर रहा है। ओके बाय जेठा जी। मैं भी निकल ही रहा हूँ, चलिए बाहर तक साथ में चलते हैं। ओके। आजकल सबको पता नहीं होटल का खाना इतना क्यों। ये लीजिए नटू काका, और एक चेक है। अरे कितने चेक साइन करवा रहे हो नटू काका? ये लाइट के बिल का चेक है सेठ जी, नहीं भरेंगे तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है लीजिए। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, मैं वो जयेश भाई के यहाँ कोटेशन का कवर देकर आया हूँ, वो आपको दो चार दिन में फोन करेंगे। चलो बढ़िया। हाँ तो एक काम कर, एक अभी मसाला वाली चाय बोल दे जरा। जी। और सेठ जी, चाय के साथ कुछ नाश्ता बोलूं? नाश्ता क्या खिलाएगा? समोसा सैंडविच बोलूं? नहीं नहीं दो नहीं, कोई भी एक चीज लेके आ। नहीं नहीं सेठ जी, दो नहीं, एक ही चीज है, समोसा की सैंडविच। समोसा की सैंडविच? अरे सेठ जी, एकदम मस्त आइटम है, आप खाकर तो देखिए, दिल एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा लेके आ जा। जी। अच्छा सुन, सबके लिए लेके आ। सबके लिए? और भी कोई आ रहा है? अरे भाई नट्टू काका, तेरी और मगन की बात कर रहा हूँ। ओके सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू क्यों? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उसमें ख्याल क्या नटू काका, अकेले अकेले खाने में थोड़ी मजा आता है, असली मजा सबके साथ आता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, मैं दुकान में। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, मैं कट्टी पार्टी के लिए निकल रही हूँ। हाँ ठीक है निकलो, मजा करना। अच्छा सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपको कुछ भी चाहिए तो अभी बता दो, कुछ भी काम हो तो भी अभी बोल दो, वरना क्या है हमारी कट्टी पार्टी आए न मस्ती से चल रही होगी और आप बीच में घड़ी घड़ी फोन करेंगे। नहीं नहीं भाई, कुछ काम नहीं है, तुम लोग जलसा करो, कुछ अर्जेंट होगा तो फोन करूंगा। ठीक है। हाँ तो वही, वो अर्जेंट क्या है वो अभी बता दो ना प्लीज। अरे भाई अभी कुछ काम नहीं है, अगर कुछ अर्जेंट काम याद आया तो ही फोन करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ।
अब्बो। अच्छा भाई अर्जेंट काम होगा तो भी फोन नहीं करूंगा बस। थैंक यू भाई, लव यू। हाँ लव यू मैं भी। नहीं मतलब गुड ट्राई, आर्टिकल लिखने की तुमने कोशिश की, लेकिन दोस्त ये धूम्रपान होता है, घूम्रपान नहीं होता है। और मतलब सिर्फ ह्यूमर ठीक होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए और लैंग्वेज भी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड राइटर। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मत्ता साहब कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताओ इस नाची को कैसे याद किया आज? अरे भाई दो दिन से मुलाकात ही नहीं हो रही है आपकी, तो मैंने सोचा चलो फोन करके बात तो कर लेते, कहाँ है कहाँ? अरे कहीं नहीं भाई, इसी दुनिया में हूँ जेठालाल, थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी हूँ बस। जल्दी आ जाता हूँ ऑफिस और काम में यार देर रात तक लगा रहता हूँ, थोड़ा सा वर्क प्रेशर है इन दिनों इसलिए बस। तुम बताओ क्या हाल है? हाल एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर वाले की मेहरबानी और नीचे वाले के आशीर्वाद। नीचे वाले कौन है भाई? आप जैसे दोस्त और कौन। सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बढ़िया। और बताओ? और तो आपको तो पता ही होगा आज हम सबकी बीवियां वो किटी पार्टी मना रही है। पता है मालूम है मुझे। अच्छा है ना भाई किटी पार्टी मना रही है, तो आज एक दिन किटी पार्टी मनाएंगी तो अगले 10-15 दिन पतियों के लिए बहुत सुकून से निकलने वाले। पत्नियों की किटी पार्टी से पतियों को सुकून मिलेगा? कैसे भाई? सारी औरतें एक जगह इकट्ठे होकर क्या करेंगी, कितनी देर साड़ियों पे, फिल्मों पे या और किसी विषय पे चर्चा करेंगी? सारे विषय कुछ देर में खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही विषय बचेगा, पति। फिर बैठ के क्या करेंगी? चुगलियां करेंगी पति की, शिकायतें करेंगी पति की, पतियों की बुराइयां करेंगी भाई, जितनी ज्यादा गॉसिपिंग हो सकती है करेंगी। फिर थोड़ी देर में पतियों के खिलाफ जितनी भड़ास से निकल जाएगी, और एक बार भड़ास निकल गई तो फिर औरतों का मन हल्का, और जब मन हल्का हो गया तो 10-15 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सारे पति सुरक्षित है। वाह 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 मेहता साहब, एक लेखक ही ऐसा सोच सकता है। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ आप अपना अगला लेख इसी विषय पर लिख डालिए, कैसे पत्नियों की किटी पार्टी से रहती है पतियों की सेहत अच्छी। और जैसे ही मैंने ये आर्टिकल लिखा ना जेठालाल, तो सारी पतियों की सेहत खराब हो जाने वाली है, सारी पतियां ये आर्टिकल पढ़ेंगी और पता चल जाएगा कि भाई हमारी किटी पार्टी से पतियों को ये फायदा होता है, तो फिर सारी की सारी किटी पार्टी बंद कर देंगी और भड़ास वहां नहीं निकलेगी और पतियों के सामने भड़ास निकलेगी और हमारी सेहत खराब होगी। बोलो लिखो। नहीं 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 भाई, तो मत लिखना भाई, मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। ओके ओके। कुछ टूरिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल नायग्रा फॉल्स देखने के लिए गए। वहाँ गाइड ने बताया कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और इसकी आवाज के तो क्या कहने, इतनी तेज आवाज है इसकी कि अगर ऊपर से एक साथ 20 एरोप्लेन्स भी गुजरे ना तो आप उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और ये कह के वो वहां खड़ी महिलाओं की ओर मुड़ा और उनसे बड़े अनुनय विनय करते हुए कहने लगा कि अब ये महिलाएं अगर अपनी बात करना बंद कर दें तो हम इस वाटरफॉल की आवाज सुन सकें। कहने का मतलब ये लतीफा नहीं है, सच्चाई इतनी सी है कि हिंदुस्तान हो या अमेरिका, अगर चार महिलाएं चार औरतें कहीं मिल जाए तो फिर गॉसिप का हंगामा और गॉसिप का सुपरमार्केट तो खुलने ही वाला है साहब। और यहाँ गोकुल धाम में ही ऐसा हो रहा है, यहाँ की महिलाएं अपने पतियों के बिना किटी पार्टी मनाने वाली। और सोचिए तो जब पति साथ नहीं होंगे तो उस किटी पार्टी में क्या क्या होगा, पतियों की बहुत सारी पोल खुलेंगी और जब पोल खुलेंगी तो यकीन मानिए इधर पतियों की पोल खुलेगी किटी पार्टी में, उधर हंसी का पिटारा खुलेगा आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए अभी तो मैं आपको दवा दे देता हूँ, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर का खाना, होटल का खाना, खुली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। क्या है ना कि ये ढलती हुई बारिश का सीजन है, ये आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकती है, समझे? जी डॉक्टर साहब। हंस तुम बाहर विजिट पर तो नहीं जाने वाले हो ना? नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन तुम कहाँ सच सवर के जा रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो क्या है ना, आज हमारे महिला मंडल की लंच पार्टी है तो हम सब होटल जा रहे हैं। होटल में खाना खाने जा रहे हो? अरे क्या बात है कोमल, लौटते हुए होटल से मेरे लिए कुछ गर्मा गर्म पार्सल लेके आना। अरे अरे आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, आप गर्मा गर्म चीजें खा सकते हैं। और सुनो कोमल, तुम जा ही रही हो तो वो एसवी रोड पे चना मसाला वाला है ना जो कॉर्नर में गाड़ी लगाता है, उससे भी थोड़े पार्सल लेके आना। हंस पहले पेशेंट को दवा दे दो, तुम्हारा मेनू मुझे बाद में दे देना। ओके हाँ हाँ देता हूँ, कुछ ले। गेट वेल सून।
देखिए आप बाहर का खाना मत खाइए, आपका हाजमा कमजोर है। जी डॉक्टर साहब। आप ये दवाई खाइए। आओ मैं निकलती हूँ। हो 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 हो, अप्रतिम साड़ी लग रही है। माँ इस्त्री किसने की है? हाँ थैंक यू। अच्छा सुनिए, पापड़ मैंने किचन में रखे, वो बाजू की सोसाइटी वाले शर्मा जी है ना, वो आएंगे तो उनको दे देना। हाँ। और हाँ उनका पहले का हिसाब भी बाकी है, वो याद से ले लेना। बस। और सोनू स्कूल से आएगी तो साथ में खाना खा लेना। और हाँ और एक मेन बात, आज जरा टप्पू सेना की ट्यूशन एक घंटा ज्यादा लीजिए ना प्लीज। क्यों? का है, लेडीज लोग कोई घर पे नहीं है ना, तो टप्पू सेना यहाँ रहेगी आपके साथ तो अच्छा है ना। हाँ मतलब तुम चाहती हो कि ट्यूशन के साथ साथ मैं टप्पू सेना की बेबी सिटिंग भी करूं? मत करो, मैं तो आपके लिए कह रही थी। हैं? हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना कि बच्चे कंपाउंड में खेलेंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, एक हाथ दूसरे का आँच फोड़ेंगे। कल टप्पू सेना यही रहेगी। थैंक यू। चलो अच्छा ये लिया। हाँ मोबाइल ना ले लिया। मोबाइल नहीं का, ये काय? पैसे 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 ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ वही ऐसे वाले पैसे, ऐसे वाले इनवॉल्व में रखे थे, वो लिया। अभी जाऊँ? चलो ठीक है, ओके बाय, एंजॉय। थैंक यू। चलो वाह रे गोकुलधाम की महिला मंडल। आपका टेबल रिजर्व रखा हुआ है, प्लीज कम आइए, प्लीज बी कंफर्टेबल। अरे लवली एंबियंस अच्छी जगह है यार। अरे थैंक यू। क्या बात है? अभी तो आकर बैठी है, इतने में जूस हाजिर। हाँ दे भाभी, इस होटल की यही स्पेशलिटी है, जब भी लेडीज की किटी पार्टी होती है ना, उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, आते ही इस तरह से वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है। तो हो जाए। Cheers! Nice hospitality. भीड़े बहन, ये हॉस्पिटल नहीं है, होटल है। अरे भाभी, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी यानी अच्छी खातिरदारी। ओह सॉरी। हाँ अरे इसमें क्या, 24 घंटे घर पर हम सबकी खातिरदारी करते रहते हैं, लेकिन अचानक कोई हमारी खातिरदारी करे, कितना अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि हम लेडीज को हर हफ्ते यू किटी पार्टी मनाने आ जाना चाहिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे। फ्री ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग सूप और स्टार्टर का ऑर्डर देते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी, हाय एक ऑर्डर लीजिए प्लीज। ओके वन मंचाओ फॉर मी, यू मंचाओ, मी टू, आप लोग टोमेटो सूप मंचाओ, मैं वो सिटी कॉर्न स्वीट कॉर्न, हाँ और मेरा वेज क्लियर सूप। हाँ स्टार्टर्स में जो अच्छा है वो प्लीज लेके आइए। ओके ओके मैम, थैंक यू। खत्म करो जल्दी, आज हम किसी का ऑर्डर सुनेंगे नहीं, ऑर्डर देंगे। अभी हम आजाद हैं। अभी मजा मजा करेंगे। मजा से याद आया कि आज मेरे घर पे भी एक मजानी बात हुई। क्या क्या? मैंने जब रोशन को बताया ना कि हम आज लेडीज जा रहे हैं किटी पार्टी और मुझे आते लेट हो जाएगा,
तो उसने कहा ओए सोनियो मैं भी आता हूँ किटी पार्टी। इतनी देर में तेरे बगैर कैसे रहूंगा? गेलो क्या आवाज की किटी पार्टी। रोशन अभी सोनी भाई तो दो मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते ना। माधवी भाभी सारे पति ऐसे ही होते हैं। आपको पता है तारक मुझे क्या कहते हैं? तारक कहते हैं कि अंजलि तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मैं कलम हूँ तो तुम मेरी स्याही हो। वैसे अय्यर की भी सेम हाल है, पूरा दिन घर में बबीता 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 यही चलता रहता है। टप्पू के पापा का भी ऐसा ही है। मैं जब भी अहमदाबाद जाने की बात करती हूँ ना उनको अच्छा नहीं लगता, मुझे एक मिनट भी उनकी आंखों से दूर होने ही नहीं देते। और ये कभी कभी तो दुकान पहुँचते ही मुझे फोन करते हैं, दया मैं दुकान पहुँच गया हुआ। और कभी कभी तो दो दो घंटे के बाद दुकान से फोन करते हैं, दया क्या कर रही है, क्या कर रही है दया। तो अब लेडीज बेचारी घर में घर काम के सिवा और क्या करेगी। तो एक बार उनका फोन आया ना कि क्या कर रही है, तो मैंने तो कह ही दिया मैं सुई में धागा परो रही हूँ, वो मुझसे हो नहीं रहा है, आज ये मेरी मदद करने के लिए। तो आ गए? नहीं रे, फोन रख दिया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया, हमारे पति भले बोलते ना हो लेकिन हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि 24 घंटे उनकी पत्नियां उनके सामने ही रहे और उनका और बच्चों का ध्यान रखे बस। अरे उतना ही नहीं, जब हमारे हस्बैंड्स फ्री होते हैं तब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, पर जब हम फ्री नहीं होते ना। हाँ। ऐसे ही होता है। हाँ। और जब हम फ्री होते हैं तब उनके पास टाइम नहीं होता। एकदम सही कहा। हमारे हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि वो लोग ऑफिस के काम से एटलीस्ट बाहर तो जा सकते, हम लोग पूरा दिन घर के कामों में कूपटप रहते। मतलब कूपटप मतलब घर के कामों में बंधे रहना, व्यस्त रहना। ओ अच्छा अच्छा, बराबर है बबीता जी। मैं तो कहती हूँ हमारी सरकार को एक कड़क कायदा ही बना लेना चाहिए कि हर साल हर पति को अपनी पत्नी को बाहर गांव वैकेशन पे ले जाना ही पड़ेगा। 5-6 दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए, पर ले जाना ही पड़ेगा। और अगर पति लोग बारगांव वैकेशन में नहीं ले जाते हैं तो उनको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। गुड आइडिया दया भाभी। वैसे भी पति पत्नियों से उतना नहीं डरते जितना सरकार के टैक्स से डरते हैं। यू नो फ्रेंड्स, मैंने और एक बात नोट की, जैसे अगर हमारे हस्बैंड्स को कोई उनका पुराना दोस्त मिल जाता है ना तो देर तक उनके साथ गप्पे लगाते और फिर बिना इन्फॉर्म के लंच या डिनर करके आ जाता है एंड फिर घर पे आके कहते मैं तो खाना खा के आया हूँ। और हम घर पे खाना बना के इंतजार करते भूखे बैठे रहते हैं। तारक का भी यही प्रॉब्लम है। अरे मोरा रोशन भी है वो अच्छे, जैसे ही पार्टी शादी का मूड बनता है ना बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और पार्टी शादी करके आधी रात को घर लौटता है। लेकिन एक बात कहूँ, ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती रहती है पर हमारे पति हमारा ख्याल भी बहुत रखते हैं, हमें प्यार भी बहुत करते हैं। वैसे मेरे ये भी ऐसे ही है। माधवी भाभी मेरे भाई तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपकी कितनी मदद करते हैं। इससे मुझे एक किस्सा याद आया, बताऊं? एक दिन क्या हुआ ना, ये बिना वजह मुझ पे गुस्सा हो गए तो मैंने भी गुस्सा जताया, मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर हाथ पैर जोड़कर मुझे मनाने लगे। माधवी माधवी, अरे चुकी झाली बाबा, माफ कर मला, वो बच्चों की एग्जाम की वजह से थोड़ा टेंशन में था इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं आपकी पंचिंग बैग हूँ जो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो आप? नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माधवी, माफी मांग ली ना मैंने। अच्छा तुम जो सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर है। सच सच, एजुकेशन की कसम। तो ठीक है, बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। एवढंच ना त्या कहते बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। नहीं नहीं माधवी, एजुकेशन की कसम खाई है आपने। ठीक है। ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट और कान को लगने चाहिए। अच्छा मेरे नहीं,
हाथ ऊपर स्ट्रेट और आपके कान को लगने चाहिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओ, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको ऐसे ही खड़े रहना है 5 मिनट तक। 5 मिनट? हाँ। यार औरतों से पंगा ही नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि औरतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। कर ला था? आई आई सोनू आई माधुरी कहती इंसान नहीं है तो कुछ। आई बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उनको किसी ने पनिशमेंट दी हो? नहीं का वो सीलिंग साफ कर रहे हैं। ये इनको मैं कब से कह रही हूँ कि हाथ में झाड़ू ले लो, हाथ से साफ मत करो। आहो हाथ खाली है ना? ऐसा करता थे। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ, तू काय फक्ते सर हाथ पाए धुआ से। और उसके बाद से ये मुझ पर सोच समझ कर गुस्सा करते हैं। बराबर है, क्योंकि भीड़े भाई को पता चल गया कि स्त्री शक्ति के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। अरे भीड़े भाई को ये भी पता चल गया कि चाहे जितनी मेहनत कर ले वो इस परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं। एक बार मैं भी हंस पे बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? मुझे घर की साफ सफाई करनी थी तो मैंने हंस को कहा, हंस हंस घर की साफ सफाई करनी है, प्लीज मेरी मदद करोगे? हाँ कुमार बोलो क्या करना है, मैं और गोली दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सो स्वीट मम्मी, डोंट वरी सब हो जाएगा। गुड, तो फिर किचन से शुरू करते हैं। या चलो गोली। अरे इसे साफ नहीं करना है, किचन साफ करना है। कम ऑन। अरे गोली। कोमल तुम फोन देखो, हम लोग किचन देखते हैं। ओके थैंक यू। हेलो, कुछ देर बाद फोन रखकर जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा? हंस, गोली, क्या कर दिया तुम दोनों ने? कोमल तुमने ही तो कहा था ना किचन साफ करने को, फ्रिज से शुरुआत कर दी हमने। हाँ। मार्केट जाना पड़ा। अरे गुस्सा करना जायज नहीं है। आपको पता है एक बार तारक ने क्या किया था? क्या? आप सब तो जानते हैं ना कि तारक की सेहत का मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जो चीज मैं खाने पीने के लिए ना कहूँ वही चीज उन्हें छुप छुप के खानी पीनी होती है। एक बार मैंने मेहमानों के लिए जूस बना के बॉटल में फ्रिज में रखा था। मैंने तारक से कहा था कि तारक आप ये जूस नहीं पियेंगे, और अचानक आधी रात को कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट मिल जाए। अरे पर मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक है? अरे वाह, भला अंजलि मेहमानों के लिए तो ला के रखा तुमने। के पास बेचारे मैं तो सेम। सच में दया भाभी, उस रात तारक का मुंह देखने जैसा था। अरे अरे, और ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार रोशन रात को पार्टी शार्टी करके आया और फिर कह रहा था कि आज तो मजा आ गया यार। रोशन चुप थक जा, कोकी उठे जैसे। सॉरी पुत्र सॉरी, मेरी सोनी है, मेरी हीरी है, मेरी दिलबरी है, और तू ये डिसाइड कर कि तेरे लिए आसमान से चांद लेके आऊं या सितारे, और अभी फुर करके जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए तो सिर्फ शांति चाहिए, और अभी सोचा कल सुबह बात करेंगे। और नहीं सोनी नहीं, अब तुम मुझे हुक्म कर, आज तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
बहुत सोनी है कारो कम। रोशन भाभी आपने सोनी भाई को क्या करने का हुक्म दिया? दया भाभी उसका सारा नशा उतर जाए वैसा काम दिया। मेरी सोनी है मैंने माफ कर दे और बाकी के कपड़े मशीन में धो दे और मैं कान पकड़ता हूँ आगे से कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। तुलाई में धुल गया। बराबर है, पार्टी शार्टी करने की यही सजा होनी चाहिए। एकदम बराबर ये बात। वैसे दया भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन अय्यर ने तो हद कर दी। मैंने लैपटॉप कहाँ पर रखा? अरे अय्यर तुम अभी तक निकले नहीं? बस बबीता निकल ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ, बाय। एक मिनट, तुम ऐसे जाओगे ऑफिस? ऐसे मतलब? तुमने ये क्या पहना हुआ है? वरना टुवाल लपेट के चले जाते। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि साइंटिस्ट लोग थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। थोड़े? अय्यर तो कई बार बहुत कुछ भूल जाता है। अरे टप्पू के पापा ने तो एक बार हद ही कर दी। मुझे क्या है, खाना बनाने में लेट हो गया तो वो तो गुस्से में एकदम धुआं बुआ हो गया और किचन में आ गया। दया तुझे पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और कितनी देर। टप्पू के पापा खाने तैयार ही है, ये देखिए ये सब्जी ये तैयार है, इसमें खिचड़ी है वो तैयार है, और ये भाखरी देखिए हो ही गई है, बस एक आखिरी भाखरी सेक रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं अभी फटाफट सब खाना लेकर आती हूँ। ठीक है तो एक काम कर, तू अपनी आखिरी भाखरी लेके आ, तब तक मैं बाकी सबको लेकर जाता हूँ, चल। अरे अरे मैंने कहा कि गरम है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टप्पू के पापा को कहा, टप्पू के पापा आपको खाना मेरे ही हाथों से खाना था तो चलो प्यार से बोल देते, ऐसे उंगलियां जलाने की क्या जरूरत थी। खाने पे से याद आया, खाना मंगाया जाए। अमन बबीता वेट फॉर मेन कोर्स, चलो एक्सक्यूज मी प्लीज हमारा मेन कोर्स सर्व कर दीजिए। श्योर, थैंक यू। कहते हैं कि एक जगह दो बर्तन हो तो आपस में टकराएंगे और एक जगह चार महिलाएं हो तो किसी न किसी की शिकायत या चुगली जरूर होगी। अब गोकुलधाम की महिलाएं किटी पार्टी कर रही है और यहाँ अभी नॉनस्टॉप चुगली शुरू हो गई अपने अपने पतियों की। भाई वैसे देखा जाए तो हम पति लोग भी तो सोडा शॉप पे खड़े होकर पत्नियों की चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हम कह देते हैं भैया तो मजाक है, वी हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन सच पूछिए तो क्या महिलाओं को मजाक का हक नहीं है? मुझे लगता है उन्हें ज्यादा हक है, वो हमारे घर का कितना ख्याल रखती है और पतियों के उखड़े मूड को संभालती है, उनके नाज नखरे उठाती है, तो उन्हें तो मजाक का हक ज्यादा मिलना चाहिए। और यहाँ ये जो चुगलियां चल रही है मैं इसका बुरा नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर सोचता हूँ कि इस वक्त यहाँ इन चुगलियों के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला, 1,07,000 रुपए का प्रश्न। अब इन 1,07,000 रुपयों का क्या होगा, क्या करेंगी ये महिला? भाई जब महिलाओं के मन की बात कोई डॉक्टर कोई फिलोसोफर कोई एक्सपर्ट भी नहीं जान पाया तो मैं भला क्या जानूंगा, और अगर मैं जानता भी हूँ तो इस वक्त नहीं बताऊंगा। जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए 1,60,000 रुपए की ये कहानी क्या क्या रंग लेके आती है। सुनो सुनो, हाँ एक महत्व की बात, पीटी पार्टी का फंड। हमारी महिला मंडल का 3 साल का मंथली कलेक्शन का टोटल होता है 1,60,000 रुपए। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे बड़े अमाउंट है। इसे कहते हैं टीपे टीपे सरोवर भराए। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि इन रुपयों का करना क्या है। ओके, मेरा सजेशन है कि हमें इन रुपयों को ना इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट बबीता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या है, पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो सेफ रहेंगे, नहीं का? हाँ। मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं।
तारक हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार का काम हम जैसों का नहीं है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमारे पैसे डूब गए तो? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शेयर बाजार में कब हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, बैठे बैठे रुपए दुगने हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हाँ यार, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अरे दैवा भी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या सोच रही है? दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ऐसी जगह पैसे रोके कि रोकड़ का रोकड़ भी हो जाएगा और वापस का वापस भी। मतलब उपयोग का उपयोग भी। अगर भाई, पर दोनों कैसे शक्य है? दया भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन कट्टी पार्टी के रुपयों से क्यों ना हम कोई सोने का हार या नेकलेस खरीदे। क्या कह रही दया भाभी आप? सोने का भाव कितना बढ़ गया है। हाँ, और हमारे लिए सोना खरीदना जैसे सपना जी उठेगी। रोशन भाभी, वही तो मेरा कहना है, क्यों ना हम लोग मिलके हमारे सपने को पूरा करें। कैसे? समझाती हूँ। देखिए, हमारे कट्टी पार्टी के रुपयों से हम लोग एक मस्त सोने का हार या नेकलेस खरीदेंगे, और वो हार या नेकलेस हम सब गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज के बीच में रहेगा। यानी कोई भी लेडीज के घर पर कोई फंक्शन हो, शादी हो या त्योहार हो, वो ये हार पहन सकता है। तो बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? दया भाभी, आपका आइडिया तो वैसे बहुत बढ़िया है। गुड आइडिया। सच कहूं दया भाभी, आपका ये आइडिया 24 कैरेट खरे सोने जैसा है। रीजनेबल आइडिया। हाँ, वरना हमारे लिए गोल्ड खरीदना हमेशा बजट से बाहर ही रहने वाला है। और वैसे भी हम में से अकेले किसी को सोने का नेकलेस खरीदना जैसे इम्पॉसिबल है। राइट। मिलकर खरीदेंगे तो सहज शक्य है, नहीं? तो हो गया ना रोकड़ का रोकड़ और वापर का वापर। ठीक है, तो ये तय रहा, हम अपनी किटी पार्टी के पैसों से सोने का हार खरीदेंगे। लेकिन दया भाभी, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे हाँ, भीड़े बहन, ये अहमदाबादी दिमाग का चमत्कार है। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हम मध्यम वर्गीय लोग हमेशा कोई ना कोई तंगी में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और फिर ना कोई महंगाई हमें नड़ सकती है और ना कोई महंगाई हमें तोड़ सकती है। दया भाभी, 16 आने सच बात कही है माने। थैंक यू। Come on girls, let's click some pics. ओहो दया भाभी, लगता है जेठा भाई का फोन है। जेठा भाई उनको मिस कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, सुंदर हीरा का फोन है, अहमदाबाद से। हेलो। हाँ वीरा। हेलो बेना, कैसी हो तुम? मैं मजे में हूँ, और माँ कैसी है? बेना, माँ भी एकदम मजे में ही है, वो अपने बहू की सहेलियों के साथ मंदिर सत्संग करने के लिए गई है। माँ तो माँ है, हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। बेना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने घर पे फोन लगाया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था, सिर्फ रिंग ही बज रही थी। अरे वीरा, वो क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, वो कट्टी पार्टी में फोटो खींचने होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। क्या बात है बेना, बेना तू तारे अपनी किटी पार्टी एंजॉय कर। मैंने तो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा एक खास दोस्त है, कल फ्लाइट से मुंबई आ रहा है, तो मैं उसके साथ माय डियर जीजा जी के लिए मठिया पूरी और सिंह भेज रहा हूँ। बोल, और कुछ चाहिए तो बोल। हाँ, अरे वीरा, तुम अपने जीजा जी का इतना ख्याल रखते हो, वही बस है वीरा। अच्छा वीरा, वो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या बताया? बेना, मेरे दोस्त का नाम राकेश है, लेकिन प्यार से हम उसे सिटी कहकर बुलाते हैं। क्या, फिर से बोले तो? बेना, मेरे दोस्त का नाम राकेश है और प्यार से उसे हम सिटी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त का नाम है राकेश भाई और प्यार से आप लोग उनको राकेश भाई सिटी बुलाते हो? ठीक है। वीरा, गोकुलधाम सोसाइटी की तुम्हारी सभी बहनें तुम्हें हेलो बोल रही है। बेना, मेरी ओर से उनको भी हेलो बोलना और अपना ख्याल रखना। अच्छा बेना, फोन रखता हूँ। ठीक है वीरा, बाय बाय।
बैठो हो गए, बहुत फोटो खींचनी। सुंदर भाई ने अचानक फोन क्यों किया? वो क्या है, सुंदर वीरा का एक दोस्त है राकेश भाई, लोग उनको प्यार से राकेश सिटी कह के बुलाते हैं। सुनिए, वो अहमदाबाद से मुंबई प्लान से आने वाले हैं, तो वो हमारे लिए वो मठिया पूरी सिंग और सब फरसान लेकर आने वाले हैं, तो ये सब बताने के लिए वीरा ने फोन किया। क्या बात है। राकेश सिटी। सुंदर भाई के दोस्त का नाम भी एकदम कमाल है। जब मेरा सुंदर वीरा ही कमल का है तो उसका दोस्त भी कमल का ही होगा ना। हाँ, तो आज की मीटिंग में ये तय रहा कि किटी पार्टी के रुपयों से सोने का हार खरीदेंगे। और सबसे महत्व की बात, हम सोने का हार खरीद रहे हैं वो हम अपने पतियों को अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात हम लेडीज लोगों के बीच में ही रखनी है। और जब भी कोई शुभ प्रसंग आएगा तो हमारे में से कोई भी लेडीज हार पहनेगी तो हमारे पतियों को अपने आप पता चल जाएगा। गोल्डन सरप्राइज। और उससे अच्छा स्वीट सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता है। चलो तो फिर इसी बात पे डिजर्ट मंगवा ले। अरे आज तो मज्जा मज्जा। रखिए ना प्लीज। अरे भीड़े बहन, कल हम सब साथ में नेकलेस लेने जाने वाले हैं ना, रखिए आप अपने पास रखिए पैसे। नहीं नहीं बरोबर है, पर क्या है ये कैश घर में रहती है ना, तो इनको बहुत टेंशन हो जाता है, तो हाँ प्लीज आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे उसमें क्या। थैंक यू दया भाभी। चलो बाय बाय दया भाभी। अच्छा तो ये है गोकुलधाम सोसाइटी और सुंदर वीरा की बहन दया यहाँ रहती है। अब देखो सुंदर वीरा का ये दोस्त क्या करामत दिखाता है। दया बहन नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। थोड़ी देर पहले ही तो सुंदर वीरा से बात हुई और आप अभी आ भी गए? हाँ, मेरी दोपहर की फ्लाइट थी और फ्लाइट टाइम पे आ गई तो राकेश सिटी सीधा यहाँ पे आ गया। अच्छा किया, आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। कहना पड़ेगा आपका नाम बहुत अच्छा है, राकेश भाई सिटी। सुंदर भाई ने नाम रखा है, जब भी सुंदर भाई सीटी बजाते ना मैं हाजिर हो जाता था, तो इसीलिए सुंदर भाई ने नाम रख दिया राकेश सीटी। वीरा एकदम मैप पर गया है, नाम रखने में उस्ताद है। हाँ, तो सुंदर भाई का ऑर्डर था मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले जाके सीधा दया बहन को ये मठिया पूरी और सिंह के पैकेट पहुंचा देना, तो मैं सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गया। हाँ, ये ले लो। थैंक यू। ओहो, वीरा ने कितना कुछ भेजा है। मेरा वीरा। मैं सुंदर भाई को फोन कर देता हूँ। ओहो, कितना पक्का। हाँ सुंदर भाई, मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ सब पैकेट दे दिया है। हाँ दया बहन से बात कर लो। हाँ बोलिए। हाँ ट्रैफिक में अटके? हाँ कोई बात नहीं।
वो ट्रैफिक में अटके है तो बाद में बात करेंगे। कोई बात नहीं। तो बोलिए राकेश भाई, आप नाश्ते के साथ क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी अर्जेंट एक पार्टी के पास सैंपल देना है। नहीं नहीं नहीं, कितना भी अर्जेंट हो ना बोलने कहीं नहीं। हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं वो चाय नाश्ता किए बिना जा ही नहीं सकते। ठीक है दया बहन, आपको ना नहीं बोल सकता। आपको ना बोलूंगा तो सुंदर भाई उधर अहमदाबाद में प्लेन उतर नहीं नहीं देंगे ऐसे हवा में ही। वही तो, बैठिए बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। वाह दया बहन वाह, पता ही नहीं चलता मुंबई में बैठ कर ढोकला खा रहा हूँ, एकदम अहमदाबाद जैसे ढोकले। अहमदाबाद की हूँ तो अहमदाबाद जैसे ही लगेंगे ना। बहुत मस्त है, कमाल एकदम। खाइए खाइए। हाँ बोलो बोलो मोहन भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ हाँ, नेकलेस का सैंपल लाया हूँ। हाँ अभी दिखाता हूँ आपको, डिटेल सब बोल देता हूँ, एक मिनट। अरे भाव तो जो अपना आपने ऑर्डर बुक करवाया था वही भाव, आपके साथ इतना पुराना संबंध है, आपसे थोड़ी ज्यादा लूंगा मैं। हाँ आप बेफिक्र रहिए। हाँ दया बहन जरा। बेफिक्र रहिए मोहन भाई, आपके साथ आपकी बेटी के ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे, ये राकेश सिटी की गारंटी है। हाँ जो बात हुई थी 5-7 तोला है, आपने जो बताया था वैसा ही है, लेटेस्ट डिजाइन, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। भरोसा नहीं है, आप मेरी बहन से बात करके पूछ लीजिए। हाँ भरोसा है तो ऐसे बोलो ना, संबंध के भी काम आवे पति। मैं अभी गोरेगांव में हूँ, बस आप फोन रखो, फटाफट निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक है। राकेश भाई, आपको सोने के दागिने बनाने का बिजनेस है? हाँ दया बहन, मैं राजस्थान का छोटा सा कारीगर, अहमदाबाद आया था कमाने के लिए, तभी सुंदर भाई की हीरा पारखू नजर मुझ पे पड़ी, उन्होंने मेरा धंधा जो बढ़ाया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अहमदाबाद सूरत बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना, सुंदर भाई कहते है कि सोने का झुमका दागिना वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। वीरा, वीरा। ये देखिए मेरा धंधा बढ़ाने में सुंदर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत नसीब वाले दया बहन, आपको एकदम हीरे जैसा भाई मिला है। सुंदर वीरा है ही हीरा। अच्छा राकेश भाई, आपके पास 10-15 मिनट होगी? हूँ तो बहुत जल्दी में, लेकिन क्या हुआ बताइए। वो क्या है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, और मैं भी, हम लोग नेकलेस लेने का सोच ही रहे थे, और ये डिजाइन बहुत अच्छी है, तो मैं सबको यहाँ बुला कर ये दिखाना चाहती हूँ, तो मैं बुलाऊं? ओ अरे दया बहन, मैंने आपको पहले ही बोला, किसी और को ना बोल सकता हूँ, लेकिन दया बहन को ना बोला तो सुंदर भाई मेरा प्लेन उतरने नहीं देंगे ऐसे हवा में। अब बुला लीजिए, बुला लीजिए। थैंक यू, एक मिनट रुको। अंजली भाभी, अरे अरे अच्छा हुआ वो पिताजी। अंजली भाभी आप लोग यही हो? क्या हुआ दया भाभी? एक मिनट, एक मिनट। कोमल भाभी, रोशन भाभी, भीड़ में जल्दी। हाय दया भाभी। हाय। क्या हुआ दया भाभी, क्या हुआ? एक मिनट। सुन रही हूँ दया बहन, आप सभी जल्दी मेरे घर पर आ जाइए जल्दी। क्या बात है दया भाभी, कुछ टेंशन है? अरे नहीं नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, आप सब लोग अभी मेरे घर पर आइए, सब बताती हूँ। ओके जल्दी हो जल्दी। अंजलि भाभी सुपर्ब, पर अंजलि भाभी नाइस सुपर्ब। हाँ लग रहा है। हाँ है पर बहुत खूबसूरत, देखो। और मेरा आप लोगों के हाथ में भी जो सेट है इज वेरी प्रिटी, ये देखिए कितना सा लंबा है ना। सो नाइस। हां और सबकी अलग-अलग डिजाइन है ना? हां वही तो। राकेश भाई ये एक-एक सेट कितने तोले के हैं? देखिए ये जो है ना ये 5 तोले का है, ये वाला जो है वो 6.5 तोला, ये 7.5 तोला, और ये 10 तोला। राकेश भाई इन सब सेट की कीमत क्या होगी? देखिये ये जो ये है ना ये 1,35,000, ये वाला जो है 2.25 लाख, ये 2 लाख, और ये 3.5 लाख। ये भाव मैंने 27,000 रुपए तोले के हिसाब से लगाया है,
राकेश भाई, आज एक तोले सोने का भाव तो 32,000 से भी ज्यादा है, तो आपने 27,000 कैसे भाव लगाया? देखिए, सोने का भाव तो रोज बढ़ते चढ़ते रहता है। अभी कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर जब भी 1-2 महीने बाद डिलीवरी देनी होती है ना, तभी जो मार्केट में तोले का भाव चल रहा है ना, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। मेरा धंधा एकदम चोखा है। मेरे धंधे का उसूल है कि मैं कस्टमर से जिस दिन बुकिंग लेता हूँ ना, उस दिन मार्केट में जो भाव है वही रेट में लेता हूँ। फिर 2 महीने बाद कितना भी भाव क्यों ना ऊपर उठ जाए। क्या ये मंदरी है? लेकिन राकेश भाई, इसमें आपको नुकसान नहीं होता? अरे दया बहन, ईमानदारी से धंधा करो तो नुकसान कभी होता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, मैंने 15,000 से 18,000 के भाव में 100 तोला सोना खरीद के रखा है, तो मुझे तो नुकसान होना ही नहीं है। और सच कहूँ ना तो आजकल हमारे धंधे में इतनी चीटिंग हो गई है, पूछो मत। मजूरी के नाम पे, पॉलिश करने के नाम पे, ट्रेडमार्क के नाम पे, फिर वो क्या होता है, टैक्स के नाम पे, अरे कितना कुछ लगा देते हैं और कस्टमर को लूट लेते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी जूना तोला और नए तोले के नाम पे कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। जूना तोला, नवा तोला, ये क्या है? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया राकेश भाई। हाँ। दया बहन, मैं समझाता हूँ। जूना तोला जो था ना, वो 1 तोले का एग्जैक्ट वजन था 11.650 ग्राम। बराबर। और अभी जो नया तोला है ना, उसका एग्जैक्ट वजन है 10 ग्राम। अभी आप लोग सोना खरीदने जाओगे तो वो आपसे पैसे लेंगे जूने तोले के हिसाब से, मतलब 11.650 के हिसाब से। और आपको सोना कितना देंगे? नया तोला, मतलब 10 ग्राम। ऐसा सब लूटते हैं इन लोग। मतलब 1 तोले पे सीधे 1.5 ग्राम की चीटिंग। बोलो, हम लेडीज लोग बार त्योहार पर इतना सोना खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें पहले कभी किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताया। तो? बघाना, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। हम भी। ये सब कोई कैसे बताएगा, क्योंकि ये सब तो धंधे के अंदर की बात है। और आप लोगों को ये सब इसलिए बताया क्योंकि दया बहन सुंदर भाई की बहन, और मैं जो कुछ भी हूँ वो सुंदर भाई की वजह से हूँ, इसलिए पेट छुट्टी बात की मैं। थैंक यू भाई। हाउ स्वीट। राकेश भाई, ये सारे सेट्स आपके ऑर्डर के ही है? जी नहीं, ये 10 तोला वाला है वही एक ऑर्डर का है, बाकी उधर शादी की तैयारी चल रही है, तो ये 3 तो मैं सिर्फ सैंपल के लिए दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, हम लोग 2 मिनट जरा अंदर जाके बात करें। राकेश भाई, 2 मिनट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बैठिए। मैं ये कह रही हूँ कि 2 मिनट हम जरा बात करके आते हैं। मुझे पता है आपको बहुत लेट हो रहा है, पर अरे दया बहन, आपको मैंने पहले ही बोला ना, आपको ना बोलूंगा तो अहमदाबाद में उतर नहीं देंगे और आप हवा में घूमते रहेंगे। थैंक यू। क्रिकेट के आकाश के ध्रुव तारे और हम सब के चहेते सचिन तेंदुलकर आज अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच यानी कि 200वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम। सचिन को आखिरी बार पिच पे खेलते हुए देखना, यकीनन ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास के पन्नों पे सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सचिन के बिना क्रिकेट की कल्पना करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव। हम जैसे लोग जिन्होंने 24 वर्षों से सचिन को बेहद संयम के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रनों का झरना बहाते हुए देखा है, सिक्सेस और चौकों के पहाड़ बनाते हुए देखा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखा है, बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स को बनते हुए देखा है, सचिन आपके बिना क्रिकेट फिर वैसा नहीं रहेगा। लेकिन आप सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है सचिन, आप तो प्रेरणा है हम सबके लिए। आप विनम्रता और संयम की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर करे देश को ऐसा हीरा हमेशा मिलता रहे। सचिन, न तुम्हारे जैसा कोई हुआ है न होगा। एक तरफ सचिन को आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए देख के हम लोग खुश हो रहे होंगे, दूसरी तरफ गोकुलधाम की महिलाओं पे एक संकट आने वाला है। क्या है ये संकट, क्या है इस राकेश सीटी का मकसद, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज 14 नवंबर है, बाल दिवस। देश और दुनिया के तमाम बच्चों को गोकुलधाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से और टप्पू सेना की ओर से विशेष तौर पे बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।